तो बेसिकली आई स्टार्ट विथ पेपर। यहाँ पर जो मैं पेपर यूज कर रहा हूँ दैट इज अ सिंपल न्यूज प्रिंट पेपर, जो हम लोग अखबार में यूज करते हैं ना वो वाला पेपर है। बस डिफरेंस ये है, वो वाला स्लाइटली रफ होता है, बट दिस इज मोर ऑफ अ स्मूथ न्यूज प्रिंट पेपर। ये काफी चीप होता है और इजीली अवेलेबल होता है, और ड्राइंग प्रैक्टिस करने के लिए ये काफी अच्छा ऑप्शन है, इसीलिए भी मैं ये यूज करता हूँ। देर आर सम डिफरेंट टूल्स दैट आई यूज, पेंसिल है जैसे कि ये कुछ कॉन्टे पेंसिल है, दिस मोर ऑफ चारकोल पेंसिल्स, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के पेंसिल्स हैं विच आई यूज। एंड ये है इरेजर, बेसिकली अ नीडेड इरेजर। तो ये हमारा जो जनरल नॉर्मल इरेजर होता है ना, नॉन डस्ट का, वैसे वाला नहीं है, हार्ड वाला। तो बेसिकली ये जो शेप है, हम लोग इसको चाहिए वैसे म्यूल कर सकते हैं, यानी वो कोई भी फॉर्म में ले सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए कुछ स्ट्रोक्स अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ से मुझे बस एक लाइन नीचे करनी है ना, तो आई कैन गिव इट अ पॉइंट, या फिर उसके थिकनेस के साथ पूरा ही इरेज कर सकता हूँ। सो दीज आर सम एडवांटेजेस ऑफ दिस इरेजर। पर इसका एक ड्रॉबैक भी है, ये काफी स्टिकी होता है, जिसके वजह से पेपर का सरफेस थोड़ा सा खराब हो जाता है। सॉरी, मैं एक्चुअली म्यूट पे था। सो आई वॉज सेइंग दिस इज द रेफरेंस जो मैं यूज करूँगा। और आई बिलीव मेघा ने सवाल पूछा है कि ये बेसिक कोर्स होगा क्या, तो हाँ ये बेसिक भी होगा और स्लाइटली एडवांस भी होगा। फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस हेड, जैसे हमारा हेड का शेप है ना, तो दिस ये वाला ऊपर जो वाला जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज क्रेनियम। तो इसको हम लोग एक बॉल के साथ रिजेम्बल कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस। तो इस शेप का यूज करके हम लोग हेड ड्रॉ करेंगे। तो आई जस्ट बिगिन विथ द सर्कल। यहाँ पर दो चीजें हैं, आई एम नॉट यूजिंग, सिर्फ फिंगर्स यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरा अपना आर्म घुमा रहा हूँ, जिसके वजह से काफी अच्छे स्ट्रोक्स मिलते हैं प्लस रिदमिक लाइंस मिलते हैं। दैट्स वन। सेकेंड इज, जब भी आप ये ड्रॉ करते हो ना, तो आप सिर्फ ये छोटा पोर्शन ही कवर होता है, जो स्क्रैची लाइंस दिखते हैं ना दे डोंट लुक गुड। और अगर जैसे अभी मुझे ये बड़ा वाला सर्कल ड्रॉ करना है, तो मैं ऐसे ऐसे करता जाऊंगा एंड देन आई विल कंप्लीट। इंस्टेड आई जस्ट एक मोशन दूंगा मैं, जिससे मैं एक इजीली सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ। नाउ अकॉर्डिंग टू लुमिस मेथड, इस बॉल को रूल ऑफ थर्ड्स अप्लाई करते हैं। एंड हाउ एग्जैक्टली वी डू दैट इज, फॉर एग्जाम्पल ये जो ब्राउ लाइन है ना, ये उस स्पीयर के सेंटर में आएगा और वो डिस्टेंस सेम होगा वहां से लेके यहां तक, जैसे कि ये वाला आ गया, दिस इज द सेंटर लाइन। अभी बिफोर वी मूव फॉरवर्ड देर आर टू थिंग्स, हेड किस डायरेक्शन में देख रहा है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे। अब इस केस में वो अपने लेफ्ट की तरफ देख रही है ना, बट कितना लेफ्ट है एग्जैक्टली, 60% लेफ्ट, 70, 80, 90, 10, तो ये जज करने के लिए हमें ड्रॉ करना पड़ता है एक वर्टिकल लाइन, जिससे आप उसको, इस बॉल को आप डिवाइड करोगे लेफ्ट एंड राइट प्लेन में। तो अगर मैं यहाँ पे मेजर करूँ, बस टेंटेटिव मेजरमेंट, ये जो सेंटर लाइन है ना, ये लगभग यहाँ पे आएगा। तो दिस इज अराउंड 40% या फिर 30% वो अपने राइट की तरफ देख रही है, तो मैं उसके लिए ये एक मार्क बना लूँ। ये हो गया मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन। नाउ इसमें अभी मैं आई वुड स्टॉप हियर, मैं थोड़ा पीछे आ जाऊंगा एंड आई विल चेक कि कहाँ पर कुछ मिस्टेक्स हुई है क्या। फॉर एग्जाम्पल
कितना लेफ्ट या कितना राइट है, अगर वो मुझे करेक्टली जज करना है तो इस स्टेज में मैं जज करूंगा, अगर वो मैं नहीं करता हूँ एंड आई जस्ट कीप ऑन ड्रॉइंग ड्रॉइंग, तो बाद में पता चलेगा ये थोड़ा ज्यादा लेफ्ट हो गया, थोड़ा ज्यादा कम लेफ्ट हो गया, है ना। तो वो फाइंड आउट करने के लिए ये स्टेज में यू हैव टू वेट और उसको एनालाइज करके फिक्स करो। नाउ द सेकेंड इज, आप खुद भी कर सकते हो, जैसे जो डिस्टेंस है ना ये ब्राउ लाइन से लेके नोज लाइन तक, आप अपने चेहरे पे भी हाथ लगा के देख सकते हो एंड वो इक्वल ऑलमोस्ट इक्वल आएगा ईयर लाइन तक, यानी ये वाला जो डिस्टेंस है ये ऑलमोस्ट इतना आएगा, सेम ये वाला भी आएगा और ये वाला। तो अगर मैं ये डिस्टेंस कंपेयर करूं, तो मैं बोल रहा था ना रूल ऑफ थर्ड्स, ये डिस्टेंस है ना दैट विल बी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल। अभी जैसे कि ये थोड़ा सा बड़ा है, तो ये जनरल रूल है, पर हर हेड के हिसाब से वो छोटा या बड़ा हो सकता है। तो अभी के लिए मैं उसको ड्रॉ करूंगा, ये रूल ऑफ थर्ड्स। नाउ हमने जो देखा था ना अभी, ब्राउ लाइन थोड़ा ऊपर की तरफ आता है, नोज एग्जैक्टली यहाँ पर आता है, और जो हेयर लाइन है वो थोड़ी सी नीचे है, समथिंग समवेयर अराउंड है। तो हमें ये तीन इक्वल पार्ट्स मिल गए, जहाँ पे ये फोरहेड है, ब्राउ से नोज लाइन है, नोज से चिन लाइन है। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज सेंटर लाइन। तो हमने जो स्टार्टिंग में बॉल ड्रॉ किया था ना, उसके इर्द गिर्द ये लाइन रैप होगी। ये बस अभी आपको बताने के लिए मैं ये ड्रॉ करूँ, बट आई वुड इवेंचुअली इरेज इट, वरना काफी सारे कंफ्यूजन क्रिएट होंगे। तो अभी इस लाइन को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ यहाँ तक। ओके, सो मेघा आपको हिंदी समझ में नहीं आ रहा है? हेलो मेघा, आई बिलीव यू आर एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी। ओके, डू अदर्स नो इंग्लिश? क्या आप लोग कमेंट में बता सकते हैं? ओके, तो मेघा आई विल जस्ट क्विकली एक्सप्लेन यू व्हाट एवर आई जस्ट डिड। सो एज आई वाज सेइंग, द ह्यूमन हेड इज बेसिकली, आई मीन इफ यू सी द स्कल एज अ क्रेनियम, दैट्स मोर ऑफ अ स्फीयर, एंड इफ वी अप्लाई अ सर्टन लाइंस टू दैट विथ सर्टन प्रोपोर्शंस, इट विल गिव यू अ हेड। And how do we do that is basically, the head is in which direction is it looking? Is it left? Is it right? Is it up? Is it down? And how do you determine that? Just by looking at the nose tip. So in which direction it is looking, you can precisely know that. And in Andrew Loomis method, it is more of applying rule of thirds, where the distance from the hair to the brow, from the brow line to the nose line, and from the nose line to the chin line is almost similar, and this also slightly changes from person to person. So in some cases this distance would be greater, in some distance it will be smaller. Okay, so I think kuch logo ko thoda hindi samajh mein aa raha hai, some people are able to understand English. So I'll for this particular session hum log mix karenge Hindi or English, and from next session onwards we will keep it separate. Hum log separate rakhenge, Hindi wala alag hoga aur English wala alag hoga. So for this time please bear with me. Okay, so in lines ko main abhi extend kar deta hu for now, but jaise we saw this hair line, usko slightly niche aana chahiye, which is around here, tentative. These are all tentative placements. Sare एक जजमेंट लेके प्लेसमेंट कर रहे हैं हम लोग, नथिंग इज बिंग फाइनल, कोई भी चीज फाइनल नहीं है, बिकॉज हम लोग अभी सिर्फ देख के उसको कॉपी करने की या मिमिक करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ इफ आई एक्सटेंड दीज लाइंस, जैसे इन लाइंस को मैं एक्सटेंड करता हूँ, तो हेड का जो साइड वाला प्लेन है
that is more of a flat plane ya fir chapta hota hai. So let's connect these two lines by drawing an ellipse ya fir hum log ek oval draw karenge chota wala circle oval. और जैसे ही ये जो सर्कल है यहां से यहां इफ आई डिवाइड दिस इसको अगर मैं डिवाइड करता हूं हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली तो मुझे प्लेसमेंट मिलेगा ईयर वाला. तो अभी के लिए आई विल जस्ट ड्रॉ इट लाइटली सो दैट आप लोग को पता चलेगा कि उसका प्लेसमेंट क्या. बाद में हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं. नाउ कम्स द सेकेंड पार्ट. जो फेस की आउटलाइन है ना दैट इज कॉल्ड एज एनवलप. तो ये जो लाइंस है आई विल जस्ट एक्सटेंड दोज लाइंस. यहां पर जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ये वाला पार्ट एंड ये वाला पार्ट इसको मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा जिससे मुझे जॉ लाइन मिलेगी. तो थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा कि इसकी हाइट ज्यादा हो गई शायद. तो टिल हियर आर यू ओके. आप लोगों को समझ में आ रहा है या यहाँ पर भी आप सवाल है इफ देयर एनी क्वेश्चंस प्लीज फील फ्री टू आस्क मी सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड. नाउ सेकंड पार्ट इज गेटिंग द मेजरमेंट्स करेक्ट. So what I'll be doing is ये जो measurement है specifically जो ear piece है ना यहाँ से लेके जो cheek bone है वो जो distance है I'll try to compare here. So ये almost eyebrow के eyebrows के ऊपर तक आता है. So basically this distance in most of the cases will always be equal till the length from jaw from the chin towards the brow line. So let's see if we were able to achieve that. Abhi hum log wo check karenge. Agar nahi hai, then we need to fix that. So I think pehle wala jo measurement tha na, that was correct. So main wapas extend kar deta hu. One thing is, before we erase those lines, I would like to first draw and correct yani jo bhi mujhe problems lag rahi thi ke jaise ye height mein bada ho gaya. So first I'll make those marks and then jo andar wale unwanted lines the na I would erase that. Now let me recheck. Ab jaise main dekh raha hu na ye yahan par angle hai, it is not vertical, it has slight angle. तो ये जो डिस्टेंस है ये थोड़ा ऐसा आएगा. दिस लुक्स ऑलमोस्ट करेक्ट. नाउ आई शैल गो इनसाइड यानी सॉरी फर्स्ट आई विल ड्रॉ द आउटलाइंस द आउटर पार्ट जिसको मैंने एनवेलप कहा था. दीज आर द चीक बोन्स. अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे फॉर्म जो भी है ना देयर इज अ टर्न इन दिस फॉर्म ड्यू टू विच यू कैन आइडेंटिफाई दैट दिस इज द चीक बोन और जाइगोमैटिक बोन. It goes from left to right. So, जो भी मैं right में draw कर रहा हूँ, I'll make sure I draw it in the left as well. Again, these are tentative placements. अभी के लिए बस एक placements है.
लेटर ऑन हम लोग उसको फिक्स कर सकते हैं। Okay, for this again, this is more of Yasena, ek ulta wala S line hai, this motion. So either I can do that, aise main draw kar sakta hu, ya fir blocking method use kar sakta hu, jahan pe ye break points hai. For example, this is the break point where the partition of hair is. Paas se isko main straight line mein draw kar sakta hu, and directly I can come at till here. Again, I'm drawing in one single stroke and not doing those scratchy lines. Let me just recheck, reconfirm. Probably ye yahan se aata hai. It comes all the way to here. Similarly, hairline for this side. Okay. Abhi ye jo outer part hai na, there are two ways to do it. As I mentioned earlier, jaise ki blocking method use karke, iske jo bhi break points hai, main wo define kar sakta hu. And simply I can connect those dots to break this into a simple as possible. That's one way of doing it. Jaise break points maine draw kiye aur maine usko bas connect kar diya. Second approach would be yahan se leke jo bhi hai na this shape, I can draw in one stroke. पहले बस एक रिदमिक मूवमेंट दूंगा एंड स्लोली स्लोली आई विल डार्कन द लाइन. व्हिचएवर मेथड व्हिचएवर अप्रोच यू फील लाइक यू कैन चूज. आई जनरली लाइक यूजिंग सच टाइप ऑफ मेथड. ये मेथड मुझे इसीलिए भी अच्छी लगती है बिकॉज आई लव और आई एंजॉय दिस प्रोसेस ऑफ डूइंग. ये वाली स्ट्रेट लाइन से समटाइम्स आई फील इट टू मैकेनिकल या फिर मुझे ऐसा लगता है बहुत ज्यादा मैं उसको मेजर कर रहा हूँ और बहुत ज्यादा सीधे लाइंस हो रही है ना. सो आई काइंड ऑफ समटाइम्स फील इट बोरिंग बट नॉट एवरी टाइम बट समटाइम्स. तो मैं इसको वापस ड्रॉ कर रहा हूँ अभी. ओके सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द लूमिस मेथड इज ऑल अबाउट. इस मेथड में ऐसा वाला स्ट्रक्चर यूज होता है. अब इसका एक ड्रॉबैक क्या है? इसका एक ड्रॉबैक ये है, ये जो लाइंस आप हम लोग जैसे ड्रॉ करते हैं या फिर ईयर पीस वाला है या जो साइड प्लेन है, इसको कैसे ढूंढते हैं ना रेफरेंस में, वो ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है. दैट्स वन थिंग. सेकेंड इज, अगर आपको सिर्फ स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो ये मेथड बहुत हेल्पफुल है. बट इसके अगर आपको फीचर्स अप्लाई करना है, जैसे कि आईज हो गए या फिर नोज है, लिप्स है, तो इफ यू वॉन्ट टू एड दीज काइंड ऑफ फीचर्स, इम्प्लीमेंटिंग देम और यूजिंग लूमिस मेथड इज नॉट पॉसिबल. फॉर दैट यू हैव टू कम्प्लीटली ड्रॉ वॉट यू सी. सो फॉर दैट स्पेसिफिकली यू कैन यूज ब्लॉकिंग मेथड एंड ऑल्सो रेली मेथड. तो देर आर और दो चीजें है, रेली मेथड है या फिर ब्लॉकिंग मेथड है, जिससे आप ये ड्रॉ कर सकते हो. Now the second most I think obvious step would be, or the drawing would be, is to map the eye part and the nose part. So eye part draw karne ke liye jahan pe ye pointed edges hote hain, brows ke jo pointed lines hain, you can connect those two lines one single stroke, which goes from left to right and vice versa. So it is not visible kyunki abhi baal yahan par hai na, hame dikh nahi raha hai, but
टेंटेटिव प्लेसमेंट अगर ये यहाँ पर है, सो इट शुड कम समवेयर अराउंड हियर, तो वो मैं अभी टेंटेटिवली यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर सकता हूँ. सेकेंड इज ये नीचे वाला जो पोर्शन है, द आईलिड पार्ट, द बॉटम आईलिड, यू कैन ड्रॉ दैट अगेन. दैट इज समथिंग टेंटेटिवली वुड कम अराउंड हियर. अगर मैं ये वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करूंगा ना, दीज आर लाइक गाइडिंग लाइंस. बहुत बार ऐसा होता है ना, वेर जहाँ पे आपकी जो आईज है, लेफ्ट वाला आई छोटा हो जाता है, राइट वाला बड़ा हो जाता है, उसके प्रोपोर्शन में नोज बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है. सो टू अवॉइड दैट, ड्रॉइंग दिस लाइन्स, गाइडेड लाइन्स आर वेरी हेल्पफुल. ओके, सो लेफ्ट आई यहाँ पर है कहाँ तक, तो एंड लाइकवाइज लेफ्ट यहाँ तक है और राइट वाला यहाँ तक है. नाउ टू कनेक्ट दीज टू लाइन्स, दोनों ब्राउज के बीच में वाला जो पोर्शन, दैट इज कॉल्ड एज ग्लोबेला. ये जो से ट्राइंगल वाला शेप, नॉट एग्जैक्टली ट्राइंगल, आई डोंट नो व्हाट दिस शेप इज कॉल्ड, बट ऐसे वाला शेप आता है. तो उसको अभी हम लोग ड्रॉ करेंगे. इन वन सिंगल स्ट्रोक I'm just trying to keep it as simple as possible. कोशिश मेरी यही है कि इसको मैं सिंपल रखूं. Then this is this part जहाँ पे ये वाला ऊपर वाला प्लेन है. This is the part. ये वाला पोर्शन जो है, अगर नोज ड्रॉ करना है ना, तो बेसिकली देयर आर सम प्लेन्स. जैसे ये वाला प्लेन आ गया, ये वाला टॉप प्लेन आ गया, देन ये वाला बॉटम प्लेन आ गया, ये वाला साइड प्लेन आ गया. तो इफ यू नो दिस, इट बिकम्स क्वाइट इजी इन स्ट्रक्चरिंग एंड लेआउटिंग. दिस इज मोर ऑफ अ थ्री डिमेंशनल वर्सेस यू जस्ट डायरेक्टली यू नो ड्रॉइंग दोज लाइंस. सो हम उसको प्लेन में सिंप्लीफाई करते हैं. तो इन केस अगर लाइट ये वाले एंगल से आ रही है, it becomes easy to shade. Likewise for the bottom part. हमने ये पॉइंट्स तो ड्रॉ किए थे. Now we have this brow lines. उसके बाद वापस I would draw this. ये ऐसे draw करूंगा मैं, just to get those points. And from this point to the point जहाँ पे ये पॉइंट, हाउ डू आई से दिस वाला जो ब्राउ लाइन है ना, दिस पॉइंट आई वुड जस्ट सिंपली कनेक्ट दैट. ओके, नाउ कम्स अपर आई लीड. जो आईज है अंदर वाला जो पार्ट है, आयरिस, दैट इज ऑलवेज अराउंड. एंड उसके अगेंस्ट, उसके ऊपर ये आईलिड्स आते हैं, वेयर यू हैव दिस आयरिस पार्ट.
एंड सिंस ये आईलिड ओपन है, अभी आंखें खुली है, जिसके वजह से ये क्रीज आती है ऊपर भी और नीचे भी. So these eyelids is something we draw from left to right and right to left. Likewise, जो अंदर वाली eyelid है, that will be also somewhere like this. और ये हम लोग इसीलिए भी करते हैं, so that proportionally वो correct लगे. अगर individually मैं यहाँ पे खत्म करूँ, उसके बाद मैं उसके measurement लेके left वाला या right वाला करूँ, ये चीज़ें जहाँ पे mistakes होती है. So it's better you draw from left to right and vice versa. Now let's get the tear duct. जो आंखें आंखों की ये जो कोनी है, नॉट कोनी बट व्हाट डू आई से दिस, जो पॉइंट्स है दो, यहाँ से ड्रॉप्स निकलते हैं, दैट पॉइंट इज समथिंग आई विल गेट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड आई वुड देन कनेक्ट दिस. Similarly, this one, left wala. Again, these are all tentative placements. ये बस अभी के लिए हमने एक light lines draw किए, जिससे हमें अंदाजा लगे कि ये कहाँ तक आनी चाहिए, या अगर इसमें कुछ mistakes है तो हम लोग उसको बाद में ठीक करने के लिए we are just making marks. Now let's move forward. Yahan par I can either draw a round, for example. तो ये वाला पार्ट ऐसा है ना, आई कैन ड्रॉ अ राउंड ऑन दिस, सॉरी सर्कल, और उसके अगेंस्ट मैं जो उसके नॉस्ट्रिल्स है ना वो ड्रॉ कर सकता हूँ. समथिंग लाइक दिस, दैट्स वन वे ऑफ डूइंग इट. या फिर इसी को मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ जहाँ पे ये होल वाला पार्ट है ना, दैट कैन कम लाइक दिस. सिमिलरली लेफ्ट से राइट. लेफ्ट वाला नॉस्ट्रिल Now I can clearly see यहाँ पर एक shadow shape है. Something like this.
तो अभी इसमें और भी काम करना बाकी है, बट वी विल कीप इट फॉर लेटर स्टेज एंड वील जस्ट मूव फॉरवर्ड एंड कंप्लीट द मजल पार्ट, माउथ वाला पार्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे. नाउ वी हैव दिस स्ट्रेट लाइन दैट हैज बीन ऑलरेडी एक्सटेंडेड. तो जनरली हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट एक थंब रूल बोल सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये जो नोज है, नोज का जो सॉरी बॉटम पार्ट है, वहां से लेके जो चिन वाला है उसको एग्जैक्टली हाफ में डिवाइड कर देता हूँ. अभी के लिए मैं रेफरेंस को नहीं देख रहा हूँ. समवेयर अराउंड हियर. तो ये पार्ट क्या करता है ना, दिस दिस डिवाइडेड इक्वल लिप जो लोअर लिप वाला है, दिस लोअर लिप, तो वो जनरली यहां तक आता है. बट कभी कभी थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है, बट इन अ जनरलाइज्ड वे वो ऐसा होता है. सो लेट्स चेक अभी कि इसमें वैसा है या नहीं. तो दिस इज स्लाइटली हायर, ये उससे ऊपर है काफी. Somewhere around here. And then this is again a straight horizontal line draw कर रहा हूं मैं, which helps me in probably putting a line which is a guideline kind of. इसको मैं थोड़ा और ऊपर ले सकता हूँ, somewhere around here. अगर इन लाइंस को मैं एक्सटेंड करूं, जो ये कॉर्नर वाले पीस है, these two corner pieces, इन लाइंस को अगर मैं स्ट्रेट लाइन देखूं, तो वो लगभग यहाँ तक आती है. यहाँ से लेके मुझे वो डिस्टेंस भी मिल जाता है. Should come somewhere around here. इन लाइंस को अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ, सिमिलरली ये वाला भी अगर करूँ मैं, तो मुझे माउथ के कॉर्नर पॉइंट्स मिल जाते हैं. सिंस वो स्माइल कर रही है, तो इट विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन. ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, ये थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि दोनों कॉर्नर्स पुल हो रहे हैं. Something like this. And then these are the cheek parts. थोड़े बहुत डिटेल्स ऐड कर रहा हूँ मैं अभी के लिए, सो दैट उसका वो कैरेक्टर लगे. सम ऑफ द ज्वेलरी पार्ट. ओके, आई थिंक मैं यहाँ पर स्टॉप कर सकता हूँ. दिस इज समथिंग अ वेरी बेसिक स्ट्रक्चर that I wanted to explain, या फिर Loomis method basically कैसे काम करता है on a very basic level, ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ. अगर आपके पास कुछ questions है, कुछ doubts है, please feel free to ask me now. Hello, good evening sir. Hi, good evening. Hello. हाँ, आपका आवाज आ रहा है, बोलिए. सर, ये जो अभी आपने ड्रॉ किया, जैसे आईज, नोज, लिप्स,
तो ये सब सब मतलब फ्री हैंड ड्राइंग करने के लिए इसका पहले प्रैक्टिस करना जरूरी है, या फिर डायरेक्टली ऐसा आउटलाइन करके स्ट्रक्चर देके पूरा फेस का उसके ऊपर प्रैक्टिस करना? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. इसके लिए जनरली आपको क्या करना चाहिए ना, मैं आपको बताता हूँ. फंडामेंटल्स ड्रॉ करना चाहिए, बेसिक शेप्स ड्रॉ करना चाहिए, जैसे कि ज्योमेट्रिक शेप्स होते हैं ना, सर्कल्स, स्क्वायर. उसके बाद वहां से आप 3D मूव करो, बॉक्सेस एंड ऑल, सिलेंडर्स. उसके बाद आप जंप कीजिए इंडिविजुअल फीचर्स पे. फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ ये वाला लेफ्ट आई है ना, सिर्फ उसी की प्रैक्टिस कीजिए. उसके बाद धीरे धीरे नोज, फिर लिप्स, देन ईयर. एंड जब आप ये आ जाएगा ना, तो दो चीजें होगी. एक तो आपका स्किल बढ़ेगा, आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, एंड देन यू कैन ग्रेजुअली मूव ऑन टुवर्ड्स द हेड ड्रॉइंग. या फिर आप साथ में भी कर सकते हो, बट द आइडियल वे इज कि आप पहले इंडिविजुअल फीचर्स की थोड़ी प्रैक्टिस कर लो एंड देन मूव ऑन टुवर्ड्स द हेड ड्रॉइंग. वरना वो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि ये कहाँ पर क्या फिक्स होना चाहिए, ये जज कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है. क्योंकि फिर एक्यूरेसी नहीं आती है, तो फिर आदमी छोड़ देता है उसको, बोलता है जाने तो नहीं हो रहा एग्जैक्टली. और मैं आपसे एक बात बोलूं, है. एक्यूरेसी की उतनी जरूरत भी नहीं है. हाँ सर. मैं आपको बताता हूँ क्यों. अभी ये तो कोई एक फिल्म स्टार है, जिसको अगर मैं कंपेयर करूँ तो आप बोलोगे अरे इसमें थोड़ा ये दिक्कत है, वो दिक्कत है. पर मान लीजिए आप किसी का पोर्ट्रेट बना रहे हो और वो किसी आपको दिखा रहे हो, तो उसको तो पता नहीं चलेगा ना कि आप किसकी इमेज ड्रॉ कर रहे हो. दैट इज वन थिंग. वो क्या देखेगा कि आपका ड्राइंग कितना अच्छा है, आपके स्ट्रोक्स कितने अच्छे हैं, आपने कितने अच्छे से लाइट एंड शेडो प्ले किया है. उसको एज अ आर्ट वर्क देखते हैं. तो आर्ट वर्क बनाना जरूरी है. अगर ये 30, 40, 60, 70% भी लगे सामने वाले रेफरेंस के साथ, स्टिल इट्स ओके. आई थिंक आपने काफी अच्छा अचीव कर लिया. इफ यू आस्क मी, आई गो फॉर एक्यूरेसी. नो, इनिशियली आप एक्यूरेसी पे ध्यान मत दो, इनिशियली आप अपने स्ट्रोक्स पे ध्यान दो. क्योंकि जैसे ही आप एक्यूरेसी पे ध्यान कर देते हो ना, तो क्या हो जाता है, मान लीजिए आपका 100% फोकस है इस पे, तो 70% फोकस आपका एक्यूरेसी पे चला जाता है. बार बार आपके यस. दिमाग में वही चलता है, अरे ये इतना आ गया, ये वैसे हो गया. वर्सेस आप फ्रीली ड्रॉ करो पेंसिल ना. से ज्यादा, आप सही कह रहे हो, फियर. पेंसिल से ज्यादा रबर यूज होता है. करेक्ट, एग्जैक्टली. रबर ज्यादा यूज होता है फिर. इट्स अ वेरी गुड पॉइंट, एक्चुअली इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट. मैं जब सीखता था तो हमारे सर तो रबर ले लेते थे, जो भी है पेंसिल से ड्रॉ करना है, रबर नहीं मिलेगा. तो इट वाज अ वेरी गुड एक्सरसाइज पुशिंग योरसेल्फ. थैंक यू सर, थैंक यू. अच्छा, आई आई थिंक और कोई है. राजेंद्र, आपको कुछ पूछना है क्या? लेमिनेशन में जो क्वेश्चन था वो मेरा भी था, वैसे सेम सर. ओके वो एक्सप्लेन. ओके, सो बेसिकली ना आप फंडामेंटल्स पे ध्यान दो. जैसे जैसे फंडामेंटल्स पे करोगे ना, इन्होंने अभी बोला था कि आप एक्यूरेसी है, तो वो एक्यूरेसी भी बिल्ट होगी उसके साथ. ओके, और किसी को कुछ सवाल है? हाँ एक क्वेश्चन था मेरा सर. पूछिए ना. सर इसको कैरी कैचर में कन्वर्ट कर सकते हैं सर? बिल्कुल कर सकते हैं. देखिए, अगर आप शेप्स के साथ खेलोगे ना, अगर मुझे ये रियलिस्टिक ड्रॉ करना है, समवॉट मैंने ये एग शेप ड्रॉ किया, ये उसकी होगी ब्राउ लाइन, ये आ गई उसकी सेंटर लाइन. अभी क्या है ना, मेरे पास जो रेफरेंस है ये वाला, अगर मुझे देख रहा हूं ना मैं, तो ये वाला पार्ट उनका काफी विजिबल है या फिर आई कैची है, विच इज मोर ऑफ अ कैरेक्टर. तो इसको भी ना मैं एग्जैजरेट करूंगा, उसको और ज्यादा ऐसे ये वाला शेप बना सकता हूँ. देख रहे हो, इसमें और इसमें वही है. देन दिस जो चीक वाला पार्ट है ना, इसको मैं और ऐसे उसको हाईलाइट करूंगा. सो ये जो भी एग्जैजरेशन है ना, दिस इज ऑल कमिंग फ्रॉम शेप्स. ये क्या है, एक सिंपल सा एक शेप है, अगर उल्टा एक पकड़ोगे तो ये वाला शेप है, उसी को बस मैंने और ज्यादा ब्रॉड कर दिया, एग्जैजरेट कर दिया, तो उसको आप कैरिकेचर में कन्वर्ट कर पाओगे. सो फंडामेंटल जितना स्ट्रांग होगा बेसिक शेप्स का,
ये ड्रॉ करना उतना इजी होगा. ओके तो अगर और किसी के पास कुछ क्वेश्चंस नहीं है तो आई वुड से मेरे पास और भी अपकमिंग सेशंस होंगे जहाँ पे हेड ड्रॉइंग होगा, ये डिफरेंट मेथड्स होंगे, फंडामेंटल्स होंगे, और उसके साथ जैसे ये इंडिविजुअल है ना फीचर्स है वो भी ड्रॉ करके बताऊंगा मैं, देन पूरा हेड भी होगा, रैली मेथड है, ब्लॉकिंग है, स्ट्रक्चर ड्रॉइंग है, एनाटॉमी है, और ऐसे बहुत कुछ है, तो वो भी मैं फ्यूचर में प्लान करने की सोच रहा हूँ एज अ फ्री सेशंस. गुड सर, गुड. आई कीप ऑन पोस्टिंग दिस सेशंस एंड मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग ऐसे अपकमिंग सेशंस में ज्वाइन करें. यस सर, श्योर सर. यस सर, श्योर सर. सर अगर कुछ सवाल नहीं है तो हम लोग ये सेशन क्लोज कर सकते हैं. सेशंस के बारे में कुछ भी जानकारी है तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट करता रहूंगा, वहाँ पे आप सर्च कर, शायद आप लोगों को पता ही है, तो वहाँ पे मैं पोस्ट करता रहूंगा एंड ऑल्सो इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट करता रहूंगा. तो गुड नाइट, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. ओके, थैंक्स सर. बाय बाय. Good night, sir. Bye. Good night. Good night. Bye-bye.